काट रहा हूं, मुझे यह बताइएगा कि अगर वाकयतन कोई करप्शन नहीं हुई थी, जैसा कि अदालतों के जरिए बाद में साबित भी हुआ, तो उन्होंने अपने दो अदद प्राइम मिनिस्टर कुर्बान काहे के लिए किए? अगर यूसुफ रजा गिलानी खत लिख देते सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, तो दूध का दूध पानी का पानी ना हो गया होता अब तक? बुखारी साहब बिल्कुल ऐसा ही होना था, लेकिन वो किबला जनाब यूसुफ गिलानी साहब का, एतजाज अहसन साहब का, उनकी पार्टी के तमाम बड़ों का एक दावा है, एक क्लेम है, जो हमें कोई उसमें सच्चाई नजर नहीं आती। वो ये कहते हैं कि हम जरदारी साहब को क्यों पेश करें, वो बनता ही नहीं है, वो क्लियर हैं, लिहाजा हमने वो नहीं कि जारी किया। तो मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब क्लियर नहीं हैं, आपको उसी तरह अपनी क्लैरिटी देनी होगी जिस तरह आज नवाज शरीफ से मांगी जा रही है। आपको भी सरे महल की मनी ट्रेल देनी चाहिए, बल्कि देनी पड़ेगी, शहबुद्दीन आ रहा है, इसीलिए अब आप अदालतों के बारे तलख हो रहे हैं।